सारे ठीक होंगे और आपके घर वाले भी सारे ठीक होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये है वीडियो जी CS301 के हवाले से, जो कि फाइनल टर्म के MCQs में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए MCQs नंबर वन को देखते हैं और वो क्या कह रहा है। इन द कॉल बाय डैश मेथडोलॉजी ए कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास्ड टू द कॉल्ड फंक्शन। तो ये होता है इन द कॉल बाय वैल्यू मेथोडोलॉजी। ठीक है जी, नेक्स्ट वन है जी हमारा इन एस्केप लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच लेवल इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स। तो ये होता है जी जीरो एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है जी हमारा इन एस्केप लिस्ट लिस्ट एस जीरो होल्ड्स द कीज ऑफ एस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं जी। नेक्स्ट वन है हमारा द बैलेंस फैक्टर ऑफ एन एम्प्टी एवियल ट्री इज़। तो उसका क्या होता है जी बैलेंस फैक्टर, वो होता है ज़ीरो। नेक्स्ट वन है जी हमारा हैश फंक्शन कैन रिड्यूस सर्चिंग ऑपरेशन टू डैश इन इट्स बेस्ट एंड एवरेज केसेस। तो ये होता है जी अल्गोरिथमिक टाइम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन है बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सिलेक्शन सर्ट अल्गोरिदम इज। तो ये होता है ओ और उसकी एन स्केयर पावर में। नेक्स्ट वन है हमारा जी इफ ए लिस्ट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स हाउ मेनी टाइम्स द लिस्ट मस्ट स्प्लिट ड्यूरिंग मर्ज सर्ट। तो कितना टाइम लगेगी लोग 32/2 टाइम्स। नेक्स्ट ये हमारा डैश इन इक्विवेलेंट रिलेशन है इज एज इफ एक्स लीड्स टू वाई एंड वाई टू जेड देन एक्स लीड्स टू जेड। तो ये होता है ट्रांजिविटी। नेक्स्ट ये हमारा रिटर्न वैल्यू ऑफ गेट मिन मेथड इज ऑलवेज डैश मिन हीप। तो ये होता है रूट ऑफ मिन हीप होता है। नेक्स्ट ये हमारा व्हिच फार्मूला इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ अ हीप विद एन नोड्स। तो ये हो गए लॉग बेस टू ऑफ एन। नेक्स्ट हमारा ए कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट डैश हैज नोड्स बिटवीन 16 to 30। नोड्स कितने होंगे जो उनको 4 होंगे। नेक्स्ट हमारा गेट मेथड ऑफ लिस्ट इज। तो वो कौन सा है वन स्टेप मेथड। नेक्स्ट वन आपके सर्च करने जा रहा हूँ जी यूजिंग हफमैन इनकोडिंग फॉर डेटा टू बी सेंट ऑन नेटवर्क इनेबल्स अस टू सेंड इट विद। तो ये किसके साथ करता है लास्ट वन के साथ जी। तो अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपाइलर्स। उनका कौन सा सिग्निफिकेंट पार्ट होता है कंपाइलर्स का। तो वो होता है जी एक्सप्रेशन ट्री। नेक्स्ट है हमारा जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन यूनियन बाय साइज। तो ये होता है जी मेक्स द लार्जर ट्री द सब ट्री ऑफ द स्मॉलर वन। अगले की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ए बाइनरी ट्री विद 24 इंटरनल नोड्स हैज डैश एक्सटर्नल नोड्स। तो ये होंगे जी 25। ठीक है, इंटरनल अगर 24 हैं तो नए एक्सटर्नल क्या होंगे 25 नोड्स होंगे। अगला है जी हमारा इफ देयर आर एन एक्सटर्नल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स विल बी कितने होंगे। तो ये वो होंगे n+1। इसी तरह अगला है इफ देयर आर 56 इंटरनल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड्स दिस बाइनरी ट्री विल हैव। तो वो कितने रखेगा जी एक्सटर्नल। तो जिस तरह अभी पहले MCQs हमने इससे पहले देखा तो वो अगर जी अगला MCQs हमारा इफ देयर आर 56 इंटरनल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड्स इन दिस बाइनरी ट्री विल हैव। जिस तरह हमने पहले MCQs देखा जिसमें 24 इंटरनल नोड्स थे और 25 फिर एक्सटर्नल नोड्स थे। तो इसी तरह इसमें भी वही सेम सेम चक्कर है। इसमें कह रहा है कि 56 अगर इंटरनल नहीं तो फिर नेक्स्ट कितने होंगे एक्सटर्नल 57। तो अगला है जी लास्ट सेकंड लास्ट है इन डिसजॉइंट सेट्स यूनियन इज अ डैश टाइम ऑपरेशन। तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है जी। और ये आखिरी MCQs मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये होता है जी लेस देन आर इक्वल टू रिलेशन होती है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।